हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे भरवा करेले। ये काफ़ी हेल्दी और गुणों से भरपूर रेसिपी है। ये कड़वा होते हैं ये तो हम सब जानते हैं, पर इसके फ़ायदे अनेक हैं। हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में खाना चाहिए। ये शुगर पेशेंट के लिए तो रामबाण का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भरवा करेले बनाने की विधि बताऊँगी जो थोड़ी हटकर है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल ट्रीट विचारू को अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं भरवा करेले बनाने की विधि। सबसे पहले हम करेले का छिलका उतारेंगे, फिर उसे बीच में से काटेंगे मसाला भरने के लिए। फिर मिक्सी के जार में हम करेले का मसाला तैयार करेंगे। आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच आमचूर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर इन सबको हम ग्राइंड करेंगे। अब हमारा मसाला पाउडर तैयार है। अब हम एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल डालकर गरम करेंगे और उसमें कटे हुए प्याज भुनेंगे। फिर इसमें करेले के छिलके डालेंगे और इसे अच्छे से सौटे करेंगे। इसके बाद हम अपना बनाया हुआ मसाला डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और सौटे करेंगे। फिर हम इसमें एक खास चीज़ मिलाएंगे जो कि इस सब्जी को स्वाद कई गुना बढ़ा देगी, और वो चीज़ है गुड़। जी हाँ, अब हम इसमें गुड़ डालेंगे जो कि सब्ज़ी को यूनिक टेस्ट देगा और जो करेले के कड़वेपन को दूर करेगा, जिससे हमारी सब्ज़ी खट्टी मीठी बनेगी। अब हम इसे अच्छे से सौटे करेंगे। देखिए, अब हमारा मसाला तैयार है। अब इस मसाले को हम करेले में भरेंगे और फिर करेले को धागे से लपेट देंगे ताकि इसका मिक्सचर बाहर ना निकले। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर इस करेले को रोस्ट करेंगे। याद रखें कि हमें पैन में ज़रा सा ही ऑयल डालना है और इसे धीमी आंच पर रोस्ट करते रहेंगे। अब देखिए कि हमारे करेले भुन गए हैं, ये ब्राउन दिख रहे हैं। तो अब हम इसको पैन से बाहर निकालेंगे और धनिया के पत्तों से इसे हम गार्निश करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरे भरवा करेले की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल ट्रीट विचारू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। एंजॉय इट।